देखिए दोस्तों, मैंने ऑनलाइन कुछ शॉपिंग की थी और उसमें ये तीन प्लांट मंगाए थे और ये तीनों प्लांट मैंने अडेनियम के मंगाए हैं। जब ये आए थे मेरे पास तो बहुत ही अच्छी कंडीशन में थे, एक दिन पहले आए थे। और मैंने इनको 24 घंटे के लिए, पहले तो इनको खूब अच्छी तरह से साफ पानी से इनके ऊपर स्प्रे करके और इन्हें वॉश कर लिया था। और फिर मैंने, क्योंकि कोई भी प्लांट आता है तो हमें उसे तुरंत नहीं लगाना चाहिए, एक दो दिन उसको अपने गार्डन में इसी तरह से रख देना चाहिए, क्योंकि जो भी प्लांट हमारे आते हैं काफ़ी दूर से आते हैं तो वो उस वातावरण के हिसाब से अपने आप को सेट नहीं कर पाते हैं। तो दो एक दिन के लिए उनको रख देना चाहिए था। मैंने भी इनको वॉश करके और अपने गार्डन में रख दिया था। और चूंकि हमारे यहाँ कल बहुत तेज़ बारिश हुई थी तो मैंने इनको अंदर रखा था। कुछ इस प्लांट की देखिए पत्तियाँ बिल्कुल निकल चुकी हैं जब ये आया है मेरे पास, और इस प्लांट में अभी पत्तियाँ बची हुई हैं। एक दो पत्ती ख़राब हो रही है, वो मैं निकाल दूंगी। और ये प्लांट भी काफ़ी अच्छा है। तो अब मैं इनको रिपोर्ट करने वाली हूँ। रिपोर्ट करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वही मैं आप लोगों से भी शेयर करूँगी और साथ में करती भी जाऊँगी। देखिए सबसे पहले तो मैं इनकी जो मिट्टी आई है ये बहुत ही, मैंने छू के देखा था, एकदम टाइट मिट्टी है, चिकनी मिट्टी मुझे लग रही है। तो मैं इसको एकदम निकाल के और प्लांट को अलग करती हूँ इनसे, क्योंकि वो जो मिट्टी आती है नर्सरी की वो अडेनियम के हिसाब से ये मिट्टी नहीं है दोस्तों, चिकनी मिट्टी है। और चिकनी अडेनियम को चिकनी मिट्टी बिल्कुल भी नहीं ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें प्लांट में मिट्टी नमी बनी रहेगी और ये प्लांट मेरा ख़राब हो जाएगा। चलिए इसको निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसकी रूट्स कितनी अच्छी हैं और इसकी मिट्टी को हमें ज़बरदस्ती नहीं हटाना है, बल्कि एक पानी से भरी हुई बकेट में हम इसको डाल देंगे तो धीरे धीरे मिट्टी अपने आप घुल के अलग हो जाएगी। अगर हम इसको हाथ से तोड़ेंगे तो इसके साथ में इसकी रूट्स भी डैमेज हो सकती हैं, फिर हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा। मिट्टी हटाते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैंने इसे पानी से भरे हुए टब में डिप कर दिया था, तो धीरे धीरे अपनी मिट्टी, ये इन्होंने सारी मिट्टी को छोड़ दिया। और ये देखिए, ये एकदम साफ़ होकर निकल आए हैं। अब हमें क्या करना है, प्लांट को जब भी लगाना चाहिए तो उससे पहले अडेनियम को ख़ास तौर पे दोस्तों, एक आप किसी भी टब में या किसी भी बर्तन में पानी लीजिए साफ, और उसमें थोड़ा सा फंगीसाइड ऐड कीजिए। ये देखिए मेरे पास साफ का फंगीसाइड है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो आपको ये फंगीसाइड ऐड करके और उसे खूब अच्छी तरह से मिला के कम आधे घंटे के लिए इसको आपको इसमें पानी में डिप करके रखना होगा, ताकि ये जहाँ से भी आए हैं उसकी मिट्टी में किस तरह की फंगस थी, इंसेक्ट थे, तो वो सब हमारे प्लांट में ना रहे। तो इनको पानी में खूब अच्छी तरह से डिप करके रखना है। ये देखिए, मैं थोड़ा पानी और बढ़ा देती हूँ, इसमें कम लग रहा है। मैंने अपने तीनों प्लांट को इनकी रूट सारी फंगीसाइड वाले पानी में डिप करके रख दिया है, और मैंने ये साफ का फंगीसाइड लिया है। आप कोई सा भी फंगीसाइड ले सकते हैं। अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो आप हल्दी के पानी में भी इनको डिप करके रख सकते हैं, ताकि इनमें किसी भी तरह की कोई भी फंगस अगर हो तो वो ख़त्म हो जाएगी और हमारा प्लांट जो है अच्छी तरह से ग्रो होगा। और इसको हम कम से कम आधे घंटे तक इसमें रखेंगे, तब तक हम मिट्टी की तैयारी कर लेते हैं कि हमें कैसा पॉट लेना है, कैसी मिट्टी लेनी है। अडेनियम के लिए अधिकतर हमें क्ले पॉट ही लेना चाहिए दोस्तों, और बहुत ज़्यादा हाइट का भी नहीं लेना चाहिए। ये मेरे दो पॉट हैं 6-6 इंच के, ये देखिए ये भी 6 इंच का है, 6 ये भी 6 इंच का है, और ये 9 इंच का है, क्योंकि मेरे पास जो पुराने पॉट रखे हुए हैं मैं उन्हीं में लगा रही हूँ। मैं जब प्लांटर मंगाए थे उसके बाद मैं पॉट नहीं खरीद पाई हूँ क्ले के, बाकी मेरे पास सारे प्लास्टिक के हैं और उनमें मैं नहीं लगाऊंगी। तो ये देखिए मेरे दो पॉट 6 इंच के हैं, और इतना छोटा प्लांट है उसके लिए ये काफ़ी अच्छे हैं 6 इंच की मात्रा के। अब हम बात कर लेते हैं मिट्टी की, अडेनियम को कैसी मिट्टी चाहिए। दोस्तों अडेनियम एक ऐसा प्लांट है जिसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा पानी देने से इसकी रूट डैमेज हो जाती हैं और इसका जो कोडेक्स है वो भी धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगता है, गल जाता है। तो हमें ऐसी मिट्टी बनानी है जिसमें पानी नमी तो रहे पर बहुत ज़्यादा पानी रुका ना रहे। तो सबसे पहले हमने ली है गार्डन सॉइल यहाँ पर, तो ये देखिए मैंने गार्डन सॉइल ले ली है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये बजरी वाली मिट्टी, आप रिवर सैंड ले सकते हैं या फिर लाल रंग का एक रेत आता है वो बलुई मिट्टी आती है वो भी ले सकते हैं। और ख़ास तौर पे दोस्तों मैंने ये बजरी बजरी जिसमें होती है ना, ये देखिए ये इस तरह से वो वाली रेत ली है, और इसमें रेत की मात्रा कम है और बजरी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है। तो रिवर सैंड ऐड करने से क्या होता है कि मिट्टी में पानी रुकता नहीं है। तो हम इसको ले लेंगे,
मैंने इसमें 20% लिया है रिवर्स एंड, जिसमें ये बजरी भी मिक्स है दोस्तों। और यहाँ पर मैंने 10% कोकोपीट लिया है, 10% ही मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है। वर्मी कंपोस्ट भी हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं रखना है, बस 10% लिया है। कोकोपीट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं रखना है, 10 से भी कम% है दोस्तों। और प्लांट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत, हमारे प्लांट को जो ज़रूरत होती है वो बोन मील की होती है, ताकि हमारा प्लांट काफ़ी हेल्दी बना रहा है और उसका जो रूट है वो भी सही से रहे। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच बोन मील लिया है। और इसी के साथ जब भी नया कोई प्लांट लगाते हैं तो उसके लिए एप्सम सॉल्ट की बहुत ज़रूरत होती है दोस्तों, क्योंकि नई जगह पे प्लांट आता है एकदम शॉक में आ जाता है, पहले ये ट्रैवल करके आया है, फिर नई जगह पे हम उसको अगर लगाएंगे तो उसके लिए हमें इसमें एप्सम सॉल्ट ज़रूर देना चाहिए। ये बहुत मदद करता है प्लांट को नई जगह पर ग्रोथ करने में और ग्रीन बनाए रखने में। अगली चीज़ दोस्तों हमने ये ली है नीम खली, ताकि इसमें किसी तरह का फंगस ना रहे। वैसे तो हमने फंगीसाइड में ऐड करके रखा है, लेकिन नीम खली इसमें बहुत अच्छा वर्क करती है, क्योंकि अगर हमारी मिट्टी में बारिश के बाद किसी भी तरह की फंगस होगा या इंसेक्ट होगा तो ये नीम खली से दूर हो जाएगा। तो हम इसको भी, नीम खली को भी ऐड करेंगे दोस्तों। यहाँ पर ये है, आपके पास से ईंट वाले जो टुकड़े होते हैं ना, उनको भी ज़रूर आप अपने इसमें डालिए। इससे क्या होता है, एक तो मिट्टी पोरस बनी रहती है, दूसरा ये रूट को बनने, रूट में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। अगर इसमें थोड़ी सी नमी तो रहेगी पर पानी होल्ड नहीं रहेगा, जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो इसमें से नीचे निकल जाएगा। तो फिर इसको भी मैंने ऐड कर लिया है थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, वैसे तो हमने अपने प्लांट फंगीसाइड में के पानी में डिप कर ही दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा हम मिट्टी में भी फंगीसाइड ऐड करेंगे। और अब इसको हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मिट्टी मैंने बना ली है और ये मिट्टी इसी तरह से बनाना चाहिए। इसमें थोड़ा सा मोटे मोटे कंकड़ वगैरह आने चाहिए ताकि मिट्टी पोरस रहे। मैंने तीनों पॉट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी भर ली है। और इसी के साथ यहाँ पर दोस्तों इनको भीगे हुए आधे घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा समय हो चुका है और अब हम इनको ग्रो करेंगे। तो सबसे पहले हम बड़ा वाला प्लांट लेंगे। इसमें देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है, यहाँ नीचे से भी, ये देखिए 3-4 जगह से ये ग्रोथ है और ये ऊपर। इसको सबसे बड़ा प्लांट मेरा ये है। और चलिए इसको हम बड़े वाले पॉट में लगाएंगे। लगाना कैसे है दोस्तों, जहाँ से ये आपको मिट्टी में दबा हुआ लाइट कलर दिख रहा है बस आपको इतना ही दबाना है, बहुत ज़्यादा इसको मिट्टी में नहीं दबाना है। चलिए मैं एक हाथ से बना रही हूँ वीडियो, अब मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। देखिए मैंने अपने तीनों प्लांट लगा दिए हैं। इस प्लांट के पत्ते इस समय निकल चुके हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में इसके पत्ते भी दोबारा आ जाएंगे। ये देखिए, ये पहला प्लांट है, दूसरा, और ये है मेरा तीसरा प्लांट। और अब मैं इसमें जो पानी लगा रही हूँ पहली बार में, वो एप्सम सॉल्ट वाला पानी लगा रही हूँ। ये देखिए, और पानी लगाने के लिए हमें, लगाने के बाद हमें इनको सेमी शेड में रखना है, बहुत ज़्यादा सनलाइट में नहीं रखना है। तो इस बात का ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात कि जब तक ये पूरा पानी, मिट्टी पूरी तरह से सूख नहीं जाएगी, अब मैं इसमें दोबारा पानी नहीं डालूंगी, क्योंकि पानी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो ये इसका जो ट्रंक है ये गलने लग जाएगा, क्योंकि पानी इसको ज़्यादा पसंद नहीं होता है। ये देखिए मैंने जो मिट्टी बनाई है, कितनी पोरस मिट्टी है, एकदम से सारी मिट्टी में पानी बिल्कुल भी नहीं रुका है, एकदम चला गया। तो चलिए अब कुछ दिनों बाद मैं आपको दिखाऊँगी इनका अपडेट। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और साथ ही शेयर भी कीजिए।